Hello student, welcome back to online video classes. Student, in previous video we finding the nearest tens number to the given number. तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, हमने फाइंड किया था नियरेस्ट टेंस नंबर. हमें कोई भी नंबर दिया होता है तो हमें उसके नियरेस्ट टेंस नंबर कैसे फाइंड करना है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था. ओके, नाउ टुडे वी आर टेकिंग द एग्जांपल टू फाइंड द नियरेस्ट टेंस नंबर. तो हम डायरेक्टली आज यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि नियरेस्ट टेंस कैसे फाइंड करना है. ओके, सो द एग्जाम्पल इज गिवन ऑन द पेज नंबर 19. तो आपकी बुक्स में पेज नंबर 19 पे एक एग्जाम्पल दिया गया है इन द ट्राई दिस में. ओके, लुक हियर, हियर आई विल राइट द एग्जाम्पल. ओके, राउंड दिस नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. ओके, तो हियर सम नंबर्स इज गिवन एंड वी हैव टू राइट द नियरेस्ट टेंस नंबर. ओके, नियरेस्ट टेंस को दूसरा भी नाम है. ओके, राउंडेड ऑफ टेन. ओके, द नियरेस्ट टेंस दैट मीन्स राउंडेड ऑफ टेंस, उसको राउंडेड ऑफ टेंस भी बोला जाता है. ओके, द नंबर इज गिवन. फर्स्टली हम इसको सॉल्व करते हैं. ओके, द फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स. ओके, द लेफ्ट साइड जो गिवन नंबर है उसको लिखेंगे नंबर्स एंड राइट साइड नियरेस्ट टेंस. ओके, द टेबल बनाने वाले नियरेस्ट टेंस. ओके, द नियरेस्ट टेंस. ओके, द नियरेस्ट टेंस ऑल्सो कॉल्ड एज राउंडेड ऑफ टेंस, उसको हम राउंडेड ऑफ टेंस भी बोल सकते हैं. राउंडेड ऑफ टेंस या फिर टेन भी राइट कर सकते हैं आप ऐसे. ओके, सो हियर वी हैव टू राइट द नंबर एंड हियर वी हैव टू राइट द नियरेस्ट टेंस नंबर. ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी फाइंडिंग द नियरेस्ट टेंस, कैसे लिखना है हमने देखा है. ओके, तो आज फिर से एग्जाम्पल के साथ देखते. तो फर्स्ट नंबर लुक हियर, फर्स्ट नंबर 28. ओके, तो 28 वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट टेंस नंबर. तो उसके नियरेस्ट टेंस नंबर हमें यहां पे राइट करना है. सो द व्हिच नंबर इज द नियरेस्ट टू द, व्हिच टेंस नंबर इज नियरेस्ट टू द 28, टेल मी व्हिच टेंस नंबर. ओके, सिंपली 28 इज बिटवीन द, कौन से दो टेंस के बीच में आता है. ओके, तो मैं डायरेक्टली यहां पे नंबर लिख लूं. देखो टेंस, हमें टेंस लिखता हूं यहां पे 10 20 30. ओके, 110 210 310 410 5 tens, 6 tens, 7 tens, 8 tens, 9 tens, and 10 tens, that means 100. Okay, 1 tens, that means 10, 2 tens, that means 20, 3 tens, that means 30, 4 tens, that means 40, and so on. Okay, ये तो हमें मालूम है. So, 28 कौन से दो tens के बीच में आता है? Okay, the 28 is in between the 20 and 30. Okay, the 2 tens and 3 tens के बीच में आता है. Correct? So, the which is the nearest tens? तो 28 के क्लोज में कौन सा नंबर है, कौन सा टेंस नंबर है. ओके, तो ध्यान से देखो हम कैसे फाइंड करना है. 28 आता है 20 और 30 के बीच में, करेक्ट. ओके, तो 3 टेंस और 2 टेंस के बीच में आता है 28. सो व्हिच इज द नियरेस्ट टेंस, तो इनके देखो 28 के क्लोज में 30 है या फिर 20, व्हिच टेंस इज क्लोज टू द 28. Obviously we have to find the difference. Okay, simple. यहाँ पे जो difference है वो सिर्फ 2 का difference है. And here the difference is 8. यहाँ पे 8 का difference है. जो minimum difference होगा वो होगा nearest tens number. So the nearest tens number is 30. So the write down answer here 3030. Okay, the number 28 nearest tens or rounded off tens is 3030. Understand? कैसे write किया मैंने? Nearest tens number. Okay, the next number. Okay, the 32. Look here. 32 का भी वैसे ही करना है. Okay, the 32 is in between the which tens? Okay, the first वो आता है 3 tens के बीच में. That 3 tens, that means 30. और बीच में आता है 32. Correct? और 4 tens, that means 40. 30 and 40 के बीच में आता है. Okay, the 3 tens and 4 tens के बीच. Which tens is closest to the 32? तो 32 के closest में कौन सा tens है? कौन बता पाएगा? Obviously, 30, because the difference is very minimum. Only 2 का difference है, and here the difference is 8. So that means nearest tens number to the 32 is 30 again. So the answer is here 30. Okay, बहुत ही simple है. इस तरह से आपको सिर्फ tens number write करने, तो मैं आपको ऊपर के number tens write करके दूंगा, and the below number is for your homework. Okay, the below number में भी ये example में आपको एक solve करके दिखाऊंगा, या फिर ठीक है अभी 52 लिया है, अभी 52. ओके, द व्हिच इज द नियरेस्ट टेंस. ओके, द 50 और 60 के बीच में आता है. ओके, द 5 टेंस एंड 6 टेंस के बीच में.
विच टेंस इज क्लोजेस्ट टू द 52? ऑब्वियसली 50 इज क्लोजेस्ट टू द 52, दैट मीन्स 5 टेंस. सो द आंसर इज राउंडेड ऑफ टेंस इज 50. ओके, द राउंडेड ऑफ टेंस विच 50. नेक्स्ट नंबर 41. ओके, द विच इज द नियरेस्ट टेंस. ओके, द 40 आएगा या 50, कौन सा क्लोज में? 40. सो द आंसर इज 40. 40 इज द राउंडेड ऑफ टेंस 40. ओके, हम राउंडेड ऑफ ही बोलेंगे क्योंकि हमारे बुक्स में राउंडेड ऑफ ही ज्यादा दिया है. नियरेस्ट टेंस भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट राउंडेड ऑफ टेंस. ओके, द राउंडेड ऑफ टेंस. ओके, द 41 इज राउंडेड ऑफ 40. सो द नेक्स्ट 39. ओके, द 39 विच इज द नियरेस्ट टेंस और राउंडेड ऑफ टेंस. सो द 39 के क्लोज में 4040 अगेन, बिकॉज 30 टेंस बहुत ही दूर है. ओके, नेक्स्ट 48. ओके, विच इज द नियरेस्ट टेंस? 5050. ओके, द 5050. ओके, तो मैंने ऊपर के सभी सॉल्व कर दिया, नीचे के आपको सॉल्व करने, उसमें से लास्ट वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. ओके, द 2936. ओके, विच इज द नियरेस्ट टेंस नंबर? हियर हाउ टू फाइंड द नियरेस्ट टेंस नंबर. ओके, हाउ टू फाइंड द नियरेस्ट टेंस नंबर, कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे? ओके, तो सिंपली यहाँ पे हमें सिर्फ टेंस वाले ही डिजिट लेने. ओके, तो विच टू डिजिट इज द टेंस डिजिट? ओके, तो टेंस वाला डिजिट यहाँ पे सिर्फ 3 है. ओके, तो क्योंकि बिकॉज द प्लेस ऑफ 3 इज टेंस प्लेस. ओके, तो 36 ये हुआ हमारा टेंस नंबर. ओके, तो ये सिर्फ हमें दो नंबर ही लेने जब हम टेंस उसके क्लोजेस्ट टेंस फाइंड करते. ओके, ये हमारा 100 है और ये 1000 है, इसको कोई कंसिडर नहीं करेगा. Only the that time of you have to find the tens. Okay, the nearest tens you have to take only the 2 digit. Okay, उस time आपको सिर्फ 2 ही digit का यहाँ पे समझना है आपको. Okay, यहाँ पे 36 look here only take the 36. Which is the nearest tens number to the 36? Okay, 36 के nearest tens number कौन सा है? So nearest to the 36 tens number is 4040. Simply you have to write 29 as it is and 40. Okay, so the nearest tens number is 2940. Okay, 2940. इस तरह से आपको nearest tens number write करना. Okay, एक और solve करके दिखा दो. ये देखो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी. Okay, the 1453. Okay, the which is the nearest tens? So 1450 किसके बीच में आता है? देखो 1450. Sorry, 1453. देखो 1450 and 1460 के बीच में आता है. Correct? 1453 is in between the 1450 and 1460. Okay, the which is the nearest tens number? Okay, the only इन दोनों डिजिट का ही हमें यहाँ पे सोचना है. Okay, so the which is the nearest 53 के क्लोज में कौन है? 50 या 60? Okay, obviously 50. That means the nearest tens number is 1450. Okay, 1450. Okay, this way we have to write the nearest tens number or rounded off tens number. Okay, I hope you understand. Okay, if you have any doubt to finding the nearest tens or rounded off tens, then ask me. Okay, to aapko poochna hai. Okay. Okay, now here I will take some examples to finding the nearest tens. तो मैंने यहाँ पे कुछ और examples लिए हैं, तो हमें इनके nearest tens number find करने हैं. तो आपको ज़्यादा बेहतर इसमें से समझ में आने वाला है. So here I will write the numbers and here we have to write the answer or nearest tens or rounded off tens number. Look here, the first number is here 36. Okay, that which is the nearest tens number to the 36? तो 36 के में क्लोज में कौन सा टेंस वाला नंबर आता है? सो 36 इज इन बिटवीन द 30 एंड 40. वो 3030 और 4040 के बीच में आता है. सो द 4040 इज क्लोजेस्ट टू द 36. ओके, तो 36 के क्लोज में ऑब्वियसली 40 आता है. सो द नियरेस्ट टेन नंबर इज 4040. करेक्ट, तो हमारा 4040 आता है. ओके, लुक हियर, द नेक्स्ट नंबर इज द 3 डिजिट नंबर. ओके, यहां पे 3 डिजिट नंबर लिए मैंने कुछ. So in this example, in this number, how to find the nearest tens? Look here we have to take only the 2 digit. Okay, the tens digit. Okay, यहाँ पे दो ही digit लेने. मैंने पहले ही बताया था. हमें tens find करना है तो last के 2 digit ही लेने. Okay, and उन 2 digit के nearest tens number हमें find करना है. ये
थ्री हमें इसका कोई सोचना ही नहीं इसके बारे में. ओके, तो 1, 5, 15 विच इज द नियरेस्ट नंबर. ओके, तो 15 किसके बीच में आता है? 15 इज बिटवीन द 20 and 10. करेक्ट, 10 and 20 के बीच में आता है. सो अभी देखो, द डिफरेंस इज सेम, 10 and 15 का डिफरेंस सेम है एंड 15 and 20 का डिफरेंस सेम है. सो दैट टाइम वी हैव टू टेक द नेक्स्ट टेंस नंबर. ओके, तो उस टाइम हमें नेक्स्ट वाला टेंस नंबर लेना है, पीछे वाला नहीं लेना है, क्योंकि पांच ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे सेम सेम है, 5, 5. सो दैट टाइम यू हैव टू टेक द नेक्स्ट टेंस नंबर, दैट मीन्स 20. ओके, सो द नेक्स्ट 3 एज इट इज एंड 2, 0, 20. ओके, देखो 20 मैंने राइट किया नेक्स्ट टेंस नंबर. ओके, लुक हियर, 6, 0, 1. ओनली टेक द लास्ट टू डिजिट. ओके, इन लास्ट टू डिजिट तो देखो 0, 1, दैट मीन 0, 1 किसके बीच में आता है? 0. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 0, 1 इज बिटवीन द 10 and 0. करेक्ट, 0 and 10 के बीच में आता है, इसको 0, 1 बोलो या फिर 1 भी बोल सकते हैं. ओके, तो 1 इज इन बिटवीन द 0 and 1, 10, दैट मीन्स 10. सो विच इज द नियरेस्ट? ओके, द नियरेस्ट इज 0, क्योंकि 10 बहुत दूर है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो द नियरेस्ट इज 0. सो सिंपली हियर वी हैव टू राइट द 0, 6, 0, 0. ओके, 601 के क्लोजेस्ट जो टेंस वाला नंबर है वो 600 है. सो द नेक्स्ट 5, 5, 55, विच इज द नियरेस्ट टेंस नंबर? ओके, द 55 इज बिटवीन द 60 and 50. ओके, द सेम कंडीशन, द डिफरेंस इज सेम, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है यहाँ पे. सो दैट टाइम यू हैव टू टेक द नेक्स्ट टेंस नंबर. ओके, द 5 राइट एज इट इज एंड नेक्स्ट टेंस नंबर 6, 0, 60. ओके, द 560. ओके, नेक्स्ट देखो 4 डिजिट नंबर लास्ट, 3, 6, 36. You know that which is the closest tens number 36 के क्लोज में? 48. So simply 1, 2, 4, 0. Correct? And next 2, 3, 4, 5. Okay, the last digit is 45. And 45 is between the 50 and 40 के बीच में आ रहा है. So which is the closest tens? Okay, the same difference. That time you have to write the next 50. Okay, the first two digit as it is write करो and next लिखो 50. Correct? सॉरी 45 यहाँ पे इसका आंसर है. ओके, तो 1, 2, 3 है, सॉरी यहाँ पे 2, 3, 5, 0. 2, 3 राइट एज इट इज एंड 45 के नियरेस्ट 50. ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, द लास्ट नंबर इज द 5 डिजिट नंबर. ओके, द लास्ट टू डिजिट इज 62. सो द विच इज द नियरेस्ट टेंस नंबर टू द 62? तो 62 के नियरेस्ट कौन सा आता है? 62 is between the 70 and 60. Correct? Which is the nearest tense? So obviously 60 is nearest. क्योंकि 62 से 70 बहुत दूर है. Okay, so write down 60. 1, 3, 5 as it is. Okay, and 62 के close में 60. So this way we have to write the answer. Okay, very simple to write the nearest tense number. Okay, I hope you understand how to write the nearest टेंस नंबर. ओके, तो कुछ एग्जांपल अपने मन से लो और फाइंडिंग करो नियरेस्ट टेंस नंबर. ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच.